सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे। दोस्तों आईपीएल 2019 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आईपीएल में हैदराबाद का पहला मुकाबला 24 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। उससे पहले हैदराबाद की टीम दो अभ्यास मैच खेल चुकी है। पहले अभ्यास मैच में टीम के कप्तान डेविड वार्नर और यूसुफ पठान ने ताबड़तोड़ पारी खेली और ऐसे ही पारी उन्होंने दूसरे अभ्यास मैच में भी दिखाई। अभ्यास मैच में हैदराबाद की टीम ए और बी में अलग अलग ग्रुप में बट गई थी। मैच में टीम ए ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान युवा खिलाड़ी दीपक हुड्डा का रहा, जिन्होंने 47 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 5 छक्के भी शामिल थे। तो वही डेविड वार्नर ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी शानदार पारी खेलते हुए 25 रनों की पारी खेली। टीम ए को मिले 188 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम बी ने इस मैच को आसानी से जीत लिया, जिसमें सबसे ज्यादा रन विजय शंकर ने बनाए, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। तो वही यूसुफ पठान ने अंतिम ओवर में एक बार फिर 29 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी खेल इस मैच को जिता दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सनराइजर हैदराबाद के बारे में, क्या पहले मुकाबले में वो कोलकाता नाइट राइडर को हरा पाएगी या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।